पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। हरियाणा लोकहित पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टियां प्रदेश के अंदर बहुत है। हरियाणा लोकहित पार्टी आप सभी को पता है कि ये समाज सेवी पार्टी है, हरियाणा में एक ही पार्टी है जो समाज की सेवा करती है, और ये भाई गोपाल कांडा जी ने 2014 में बनाई और 2014 में बना के अपना आशीर्वाद देके मुझे आपके बीच में भेजा था, और आप सभी ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, लगभग 40,000 वोट दिया आपने मुझे। आजकल 40,000 नोट नहीं मिलते, आपने मुझे वोट दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ, सदैव आपका ऋणी रहूंगा। अब की बार आप भाई गोपाल कांडा जी ने आपका प्यार मान सम्मान देखते हुए मुझे दोबारा आपके बीच में भेजा रानी अलका से आपका आशीर्वाद लेने के लिए। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मैं आपको एक बात जरूर बता दूंगा कि हरियाणा लोकहित पार्टी आपकी सेवा करेगी, आपका शोषण नहीं करेगी, ना आपसे धोखा करेगी, ना आपको बेचने का काम करेगी। ये आप सभी जानते हैं कि गोपाल कांडा जी आपको बेचने का काम नहीं करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। आपने देखा कि पहले वाला विधायक ना तो आपके खाड़िया की बात रखता विकास की, ना रानिया हल्के की बात रखता कभी विकास की। आज रानिया हल्का चाहे स्नेहरों में पीछे है, किसी विभाग में चाहे पीने के पानी में पीछे है, चाहे सड़कों में, चाहे लाइटों में, और आज आपने देखा कि डार्क जोन भी घोषित हो चुका है रानिया। आज के ही अखबार में था कि 3 HP से लेकर 30 HP की मोटर लगेगी और वो भी जो झरना लगाएगा उसके नहीं लगेगी, लेकिन आज तक किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। मैं आपका आशीर्वाद पाके जब विधानसभा में पहुंचूंगा तो रानी हल्के की ये बात भी रखूंगा कि डार्क जोन 25% जोन में तो पानी जाता है, 75% जोन में तो पीने का भी पानी नहीं जाता है। जहां नहरों की जरूरत है वहां नहर देंगे, जहां पीने के पानी की जरूरत है वहां पीने का पानी देंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आज तक आपकी लड़ाई किसने नहीं लड़ी? कोई विकास नहीं हुआ। 70 साल में आपने वोट दिया हर राजनीतिकों को अलग अलग तरह के, लेकिन 70 कोस दूर है हमारा रानिया विकास से। अब की बार मुझे गुरुओं की कृपा से आपके आशीर्वाद से लगता है कि रानिया की बात और आप मुझे सौंपेंगे और फिर देखना मैं रानिया का विकास कैसे करके दिखाता हूं आपको समाज सेवा से। और ये आज चाहे रानिया में आप कहीं भी जाएं, सारी जगह नशा बिक रहा है। अगर ये सरकार के आदमी अगर इनकी मिली भगत ना हो तो ये नशा बिक सकता है क्या भाइयों? आप बताओ, आज चारों तरफ नशा बिक रहा है। आप मैं यहां पर जो मेरे बच्चे आज इस लत में पड़ गए हैं, मैं उसके लिए रानिया के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र खोल के, और ये जितने भी नशे के व्यापारी हैं मुझे पता है आज कौन कौन बेच रहा है, कहां कहां बेच रहा है, इनको एक को भी बात नहीं छुटवा सारे अंदर करूंगा, एक भी नहीं रहेगा। और भाइयों आप तो देख ही चुके हैं कि भाई गोपाल कांडा जी एक समाज सेवी हैं, उन्होंने कल मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कि ये खुशहाल रहे, इनका जीवन खुशहाल रहे, इनके लिए पानी की बोतल दी। कल बच्चों मिली थी ना पानी की बोतल आपको? मिली थी। और आपने थोड़ी देर बाद देखा कि भुखलाई भाजपा ने क्या किया, एक लेटर इशू कर दिया कि आप बोतल नहीं बांट सकते। क्यों? समाज सेवा नहीं कर सकते क्या? वोट बच्चों के वोट है। और आज आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा कि हरियाणा सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि बच्चे प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पिएंगे, स्टील की बोतल में पानी पिएंगे। ये हाल भाजपा की हाल उखला रही है। अभी अभी आया मेरे पास व्हाट्सएप, मैंने देखा कि स्टील की बोतल में पानी पिएंगे, ये हाल है। और आज आपने देखा होगा मैं किसी से डरता नहीं, और मेरे भाइयों में एक और बात करता हूं आपसे कि आप भी खुद के सामने आए, डर निकाल दिया भाई गोपाल कांडा जी ने 2010 में ही आपका। अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आ जाए, आने वाला समय आपका है, मुझे आप आशीर्वाद दें। और जो चुनाव चिन्ह है समुद्री जहाज, उसके आगे सिख लिखा होगा, समुद्री जहाज है, गुरुओं का निशान है कि नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार है, सारे चल जाना पार उतरोगे। और मेरे बच्चों को आपने देखा कि कल बोतल बांटने पर इतना बड़ा गामा खड़ा किया है, अरे आप कैंपर बांट दो, आप टिप्पर बांट दो, अरे नहीं तो कुछ एक सेब भी बांट दो बच्चा ने, कोई भगव करके तो दिखाओ।
हरियाणा लोक हित पार्टी में तो गोपाल कांडा जी ने मेरे ख्याल से 10 साल से हजारों ट्रक स्वाटरों के बाद बांटते हैं, हर सर्दी में बांटते हैं। एक भी आदमी आया ना मैंने स्वाटर बांटी है बताइए कोई पार्टी का आदमी? ये समाज सेवी पार्टी है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। और उस समाज सेवा भी अड़चन डालते हैं, ये बुखलाहट का कारण है।